नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन डेथ और कोमा क्या चीज़ होता है। तो ब्रेन डेथ जो है, ब्रेन डेथ होना मेडिकल की दुनिया में किसी व्यक्ति की उस शारीरिक अवस्था को कहते हैं जब उसका दिमाग क्रिया और प्रतिक्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन करना बंद कर देता है। इससे वह व्यक्ति जीवित तो रहता है लेकिन उसमें चेतना नहीं रहती होती। वो कंडीशन क्या कहलाती है? ब्रेन डेड। इसमें क्या होता है कि बॉडी मूवमेंट, सांस लेना, आंखों की पुतलियों का रिस्पांस करना देना, मतलब आंखों की पुतलियों में टॉर्च लगाने पर उनका कॉन्ट्रैक्शन फिक्स, ये सब रिस्पांस वो नहीं देती हैं। ये चीज़ यदि शामिल है तो इंडिकेट करता है कि मनुष्य का ब्रेन डेड हो गया है, यानी मूवमेंट ना हो, आंखें रिस्पॉन्स ना दें, सांस ना ले पाए आदमी। इस कंडीशन में ये इंडिकेट होता है कि ब्रेन की डेथ हो गई है। ब्रेन डेड में क्या होता है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है लेकिन हार्ट, लीवर, किडनी ये अंग काम करते रहते हैं। फिर जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हार्ट भी डेड कर जाता है, हार्ट भी काम करना बंद कर देता है। अब ब्रेन डेड और कोमा समझने से पहले थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में जान लेना ज़रूरी है। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं मुख्य। जनरली आदमी सुनता है कि बड़ा दिमाग होता है और छोटा दिमाग होता है। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो ब्रेन का बड़ा हिस्सा होता है तथा ब्रेन स्टेम जो होता है वो ब्रेन का छोटा हिस्सा होता है। यानी दिमाग का छोटा हिस्सा ब्रेन स्टेम और कॉर्टेक्स बड़ा हिस्सा होता है। ब्रेन स्टेम जो होता है वो छोटा हिस्सा रीढ़ की हड्डी, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, उसके बाद उसी का ऊपरी भाग होता है, वो ब्रेन स्टेम कहलाता है तथा कॉर्टेक्स उसके ऊपर होता है और ब्रेन का बड़ा भाग कहलाता है। जब कॉर्टेक्स में चोट लगती है या किसी डिसीज की वजह से वो डैमेज होता है, पॉइजन की वजह से, मेडिसिनल रिएक्शन की वजह से, उस कंडीशन में आदमी क्या होता है कि कोमा में चला जाता है। कोमा में भी आदमी बेहोश रहता है लेकिन पेनफुल स्टिमुलाई जब उसको देते हैं, उसके चुटकी काटते हैं तो वो रिस्पॉन्स देता है तथा कोमा का पेशेंट जो है वो कुछ बताने की कोशिश, बोल नहीं पाता, हाथ पैर उसके नहीं हिलते लेकिन रिस्पॉन्स देता है, आँखों में आंसू आना और आँखों का रिएक्शन रिस्पॉन्स देना, ये कोमा की स्थिति में होता है और कोमा से पेशेंट लौट आने की संभावना रहती है। कोमा में पहुंचा पेशेंट ठीक हो सकता है लेकिन यदि ब्रेन डेथ हो गई है उससे पेशेंट की रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई है। ब्रेन स्टेम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के पीछे की तरफ का एक भाग होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ होता है। मनुष्य के दिमाग में ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन
यानी दिमाग के मध्य भाग का हिस्सा होता है। ब्रेन का यह हिस्सा हमारी क्रियाओं का संचालन करता है, यानी हमारे बोलने, पलके झपकने, चलने, एक्सप्रेशन देने या किसी भी तरह का रिएक्शन देना ब्रेन स्टेम के सही होने का संकेत देता है। यानी यदि ब्रेन स्टेम काम कर रहा है तभी यह चीज संभव है। ब्रेन डेड होने के बाद हमारी सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, दिल धड़कता रहता है, लेकिन दिल को भी, हार्ट को भी यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भी डेड कर जाएगा, यानी हार्ट भी रुक जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ब्रेन डेड होना भी मृत्यु के ही समान है, लेकिन ब्रेन डेड में क्या करते हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर में ले लेते हैं। वेंटिलेटर में लेने के बाद यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हार्ट को मिलती रहती है, तो ब्रेन डेड होने के बाद भी हार्ट यानी उसको रेस्पिरेशन बंद हो गया तो वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन मिलती रहती है जिससे हार्ट चलता रहता है। यानी दिल का धड़कना, लीवर का काम करना, किडनी का काम करना ब्रेन डेड के बाद वेंटिलेटर के कारण होता है। ब्रेन डेड के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि दिल की धड़कन, लीवर का काम करना, किडनी का काम करना कितने दिन तक चलेगा, लेकिन कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी 2-4 दिन, हफ्तों तक इंसान जीवित की तरह रहता है, ऐसा समझ में आता है कि सो रहा है, लेकिन रियली में वो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ब्रेन डेड का एग्जामिनेशन जो होता है 4 डॉक्टर मिलकर करते हैं, इसमें कुछ जांचें होती हैं जो कि हर 6-6 घंटे में रिपीट की जाती है। यदि जांचें सेम आती है, कोई चेंजेस नहीं होता, तो ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जा सकता है। उस कंडीशन में डॉक्टरों का कर्तव्य बनता है कि पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडर को जो हैं उनको एक्सप्लेन कर दें कि आपके पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है और अब कोई संभावना नहीं है। इसका जो हार्ट चल रहा है वो सिर्फ वेंटिलेटर सपोर्ट की वजह से, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इसको दिया जा रहा है, इस वजह से दिल धड़क रहा है, लेकिन इसके बचने का कोई चांस नहीं है। तो जब ब्रेन स्टेम में चोट लगती है तो ब्रेन डेड हो जाता है, तथा जब कॉर्टेक्स में इंजरी होती है, चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में मरीज कोमा में पहुंचता है। कोमा से लौटने का चांस है, कोमा से रिकवरी होने के चांस रहते हैं, लेकिन ब्रेन डेड यदि हो गया है तो फिर कोई भी चांस नहीं है। ब्रेन डेड पेशेंट एक तरह से उसकी डेथ ही हो जाती है, कभी लौट के नहीं आया। अब ब्रेन डेड के बाद फिर भी शरीर गर्म रहता है, इसलिए गर्म रहता है कि उसका बाकी का हिस्सा सही रहता है। ब्रेन डेड ज़्यादातर, अधिकतर क्या होता है कि एक्सीडेंटल केसों में होता है, जब हैवी इंजरी, हेड इंजरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है सिर में, और वो या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और वो मिड ब्रेन तक, माने मिड लाइन शिफ्ट हो गया ब्लड और ब्रेन स्टेम में पहुंच गया, उस कंडीशन में ब्रेन डेड हो जाती है, जबकि बाकी ऑर्गन उसके सही रहते हैं, लीवर, किडनी और हार्ट काम करते रहते हैं, इस वजह से शरीर गर्म रहता है और सामान्य तौर पर देखने में लगता है कि इंसान सो रहा है। कुल मिला के ब्रेन डेड और कोमा की स्थिति में समझाने की कोशिश किया हूँ, आशा है आप लोग समझ गए होंगे।
यानी ब्रेन डेड में कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आप चाहे जितनी चुटकी काटो, जितना पेनफुल स्टिमुलस दो शरीर को, कुछ भी करो, वो मूवमेंट नहीं करेगा, कोई भी रिस्पांस नहीं देगा और कोमा की स्थिति में रिस्पांस देता है। कोमा की स्थिति में मरीज के ठीक होने के चांस रहते हैं और ब्रेन डेड में एक तरह से डेथ ही हो जाती है सिर्फ वेंटिलेटर सपोर्ट के कारण। एक दो दिन, एक हफ्ते तक पेशेंट को रखा जा सकता है, उसकी दिल की धड़कन चलेगी, लीवर काम करेगा, किडनी, लेकिन बचने के एक भी चांस नहीं होता है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ब्रेन डेड के बारे में हर इंसान को, हर आदमी को जानकारी मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।